बहुत अच्छी। डायरेक्शन की बात की जाए कितना इंप्रेसिव? डायरेक्शन में बहुत अच्छा है, बट एंड सीन में जो बताया गया सही बताया गया। फॉर एग्जांपल शादी के बाद, मतलब जो रहते जवान यंग बॉय जितने भी शादी करके चले आते हैं, बट उनके जो उनके घर वाले या कोई पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, तो उनका हाल ऐसे हुआ था। डेब्यू में कितना इंप्रेस किया है दोनों एक्टर्स ने? बहुत ज़्यादा, कि बताया गया कि मतलब लाइफ की सेक्रीफाइस किस चीज़ से हो सकती है। तो सैराट के कंपेयर में धड़क क्या है? आई थिंक सैराट सबसे बेस्ट थी। फिर भी कितना अच्छा दिन से आउट ऑफ फाइव? फोर। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी है, सस्पेंस लास्ट में इतना भयंकर होता है कि सब ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो रहे हैं। मतलब इतना भयंकर मूवी है, मुझे बहुत मज़ा आया। और जानवी कपूर और एक्टिंग वगैरह की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि देखते ही नहीं है, स्टोरी देखना पसंद करेंगे लोग, क्योंकि एक्टिंग पे ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी बढ़िया एक्टिंग की है दोनों ने। बहुत अच्छी मूवी। डायरेक्शन कैसा था मूवी का? डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवी हिट है 100%। एक्चुअल में मैंने सैराट देखी नहीं है, बट लोग बोल रहे हैं कि सैराट से भी अच्छी मूवी है। दो तीन लोग का मैंने सुना था, तो बोल रहे हैं कि अच्छी है उससे भी। म्यूजिक कैसा था मूवी का? म्यूजिक बेस्ट था, और मुझे एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगी है मूवी में जो बेकार थी। और लास्ट में सस्पेंस तो भयंकर है, और 5 स्टार। थैंक यू सो मच। कैसी लगी फिल्म? फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म है। ईशा ने जाने की बात करते हैं, कितना पसंद आया? दोनों ने अच्छा काम किया, नो डाउट। दोनों नए हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छा काम किया दोनों ने। ईशान ने बहुत अच्छा काम किया, जानवी ने भी अच्छा किया, क्योंकि उसको जो उसकी इनोसेंसी जो फिल्म में दिखाई है वो बहुत अच्छी थी। मूवी का डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन बहुत अच्छा था, जो पहले भी अच्छा किया शशांक खेतान ने, बद्री हम्टी शर्मा, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ये सारी फिल्में बनाई हैं, तो अच्छा था। और धर्मा के साथ हमेशा अच्छी फिल्में बनती हैं उनकी। सैराट मैंने देखी नहीं, लेकिन अगर धड़क को देखूँ मैं, अब अगर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सैराट मैंने देखी नहीं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों को रेफर करना चाहिए? या ऑब्वियसली करेंगे। 4। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया। सस्पेंस फिल्म था थोड़ा, पहले भी देख चुके थे सैराट हमने, तो फिर ये तो ऐसा लगा कि सेम रहेगा, पर थोड़ा अलग था। डायरेक्शन की बात करें, कितना पसंद आया डायरेक्शन आपको? डायरेक्शन अच्छा ही था उनका, पर थोड़ा लास्ट का सीन थोड़ा अच्छा दिखाना चाहिए था, पर वो इधर गिरा, वो मज़ा नहीं आया। बस लास्ट में तो साइलेंट हो गया, बस थोड़ा सा सस्पेंस वाला दिखाना चाहिए, क्लाइमैक्स वाइमैक्स, पर इतना अच्छा नहीं लगा। अगर बात की जाए ईशान जानवी की एक्टिंग की, कितनी पसंद आई आपको एक्टिंग? एक्टिंग तो दोनों की अच्छी है, एज अ फर्स्ट करियर फर्स्ट फिल्म दोनों को अच्छा किया है पिक्चर, तो जानवी की थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। मेरे को तो उसकी लगी, ईशान की लगी, जानवी की इतनी अच्छी नहीं, मतलब ईशान ने बहुत अच्छा किया उस पर। सेम है, अलग नहीं है, सेम है, पर एक्टिंग की बात किया जाए तो सैराट से कंपेयर किया तो धड़क अच्छी है। अगर दोनों में एक कंपटीशन रखा जाए सैराट और धड़क में, क्या ज़्यादा आपको पसंद आएगा? धड़क 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 एक बार वापस धड़क धड़क। कितने स्टार दर्शक हैं? 4.5। मेरा 5। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। सर फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर सैराट से अगर मैं कंपेयर करूँ इस मूवी को, तो सैराट बेस्ट। अगर जिन्होंने सैराट नहीं देखी है उनके लिए बहुत अच्छी मूवी है, और जिन्होंने सैराट देखी है तो उनके लिए थोड़ी वीक लगेगी, क्योंकि वो स्टोरी ज़बरदस्त थी। ये स्टोरी भी बहुत अच्छी है, ये राजस्थान में शूट हुआ है और वो एक छोटे से गांव में शूट हुआ था, तो दोनों से कंपेयर करूँ तो ठीक है, मूवी मुझे अच्छी लगी। डायरेक्शन और एक्टिंग कैसी थी एक्टर्स की? एक्टिंग ज़बरदस्त थी, सारे एक्टर जो थे ज़बरदस्त एक्टर थे उसमें। शशांक ठक्कर की मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, जानवी की भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। एक्टिंग की बात करो तो बहुत अच्छी है। अगर बात करें सैराट और धड़क की, सैराट आपको ज़्यादा पसंद करेगी? मुझे सैराट ज़्यादा पसंद करेगी। कितने स्टार देना चाहिए ऑटो फाइव? ऑटो फाइव 4। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी बड़ी, कम कम, कैसी लगी फिल्म? ठीक ठाक, ओके ओके ओके। डायरेक्शन कैसा था फिल्म का? डायरेक्शन हम कंपेयर तो कर नहीं सकते, लेकिन शशांक खेतान जी ने अपने हिसाब से ठीक किया है। एक्टिंग की बात करी जाए, जानवी और ईशान ने कितना इंप्रेस किया? ईशान का काम इंप्रेसिव है, जानवी अभी ट्राई कर रही है। सो सैराट और धड़क, या क्या पसंद है आपको? मुझे ऑब्वियसली सैराट, सैराट एक मतलब वो नेचुरल चीज़ है, इसमें बहुत बनावटी बन देखा मुझे थोड़ा, और बेसिकली जो क्लाइमैक्स इन्होंने रखा है वो मैं रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन सैराट का जो क्लाइमैक्स था वो जस्टिफाइड था, इनका क्लाइमैक्स जस्टिफाइड नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। 3। थैंक यू सो मच। कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी लगी, और दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, एंड लगता है कि श्रीदेवी की बेटी हैं तो एक्टिंग उनके खून में है, और
फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी फिल्म में, सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, उदयपुर के सीन्स अच्छे थे और जिस तरह से दोनों एक्टर्स ने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली है, राजस्थानी बोली है, फिर बंगाली बहुत अच्छी बोल रही है, वो बहुत अच्छा लगा एंड फिल्म अच्छी है, मैसेज भी अच्छा है। ओनली थिंग इज कि बाद में ऑडियंस को बड़ा दुख होता है। और डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, डायरेक्शन अच्छा लगा, इट्स अ गुड मूवी। सैराट मैंने नहीं देखी है तो मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ सैराट के बारे में, लेकिन धड़क मुझे अच्छी लगी। म्यूजिक भी अच्छा था, ये अलग बात है कि सेकंड पार्ट में सॉन्ग नहीं थे, लेकिन म्यूजिक जो दो तीन गाने जो भी थे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लिरिक्स अच्छे थे। 5 में से मैं 4 देना चाहूँगा। चलो थैंक यू। फिल्म बहुत अच्छी है और जानवी जी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, श्रीदेवी का ऐसा लगता है वापस आ गया है और हमसे दूर नहीं है वो, और आई है वो अपनी बेटी के रूप में, और एंडिंग इज़ वेरी सैड लेकिन गुड मैसेज। पेरेंट्स को भी आजकल नाउ टाइम इज चेंज, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए। अच्छे लगे, जोड़ी इज़ नाइस, वो अपनी जगह है, अपनी जगह। 5। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था पर ठीक है, बुरी भी नहीं थी। स्क्रीन प्ले कुड हैव बीन बेटर, ईशान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, जानवी का मैंने कुछ पहले देखा नहीं था तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं था, पर ऑन द होल आई रेटेड मे बी 3/5। अगर डायरेक्शन की बात करें कितना इंप्रेस किया डायरेक्शन ने आपको? डायरेक्शन अच्छा था, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट मेरे को ऐसे भी मूवी से कुछ था नहीं एक्सपेक्ट, बट देखा जाए तो अच्छा ही था। इट वॉज अ फन मूवी, एंटरटेनिंग ऑन द होल, द सॉन्ग्स वर रियली ग्रेट, जिंगार मेड मी मूव फ्रॉम माई सीट। सैराट से कंपेयर्ड ज़्यादा कुछ नहीं है, पर इनका फर्स्ट फिल्म्स था सो इट वॉज नाइस ऑन द होल। 3। हमने सैराट भी दो बार देखी है तो सैराट उस तरह से वही एक्सपेक्टेशन थी, बट वो विलेज में सेटअप है और ये फर्स्ट हाफ उदयपुर में है और सेकेंड हाफ कोलकाता में है। ईशान और जानवी बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर्स हैं, दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड हैं, तो जिस तरह से उन्होंने मूवी में रोल किया है दे हैव डन फुल जस्टिस टू देयर, वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर्स बोथ ऑफ देम। डायरेक्शन कैसा लगा मूवी का? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, इससे पहले हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखी थी, जो आई वॉज नॉट अ बिग फैन ऑफ शशांक खेतान, बट विद दिस मूवी जिस तरह उन्होंने इतना ब्यूटीफुल, इतना वाइब्रेंट और इतना कलरफुल बनाया है ऑल थ्रू द मूवी। पहले शुरू में आप देखेंगे कि दोनों एक्टर्स का रॉ चार्म दिखाया है, रोमांटिक एंगल, एंड सेकेंड हाफ में उनकी इंटेंस रोल्स हैं, काफ़ी इमोशनल, तो उस तरह से मूवी बहुत ही यू नो वेरी नाइस इट इज़। कंपेयर टू सैराट धड़क क्या है? सी फ्रेम बाय फ्रेम इट इज़ सेम, इट इज़ प्रेडिक्टेबल, बट देन अगेन सीता और गीता और चालबाज भी सेम थी, लेकिन दोनों ही इतनी कामयाब हुई तो डेफिनेटली दोनों फिल्में, बाकी सिनेमेटोग्राफी ले लीजिए या एडिटिंग ले लीजिए बाय मोनिशा बल्दावा, एवरीथिंग हैज़ यू नो अजय अतुल का म्यूजिक, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, एंड स्क्रिप्ट तो नागराज मंजुली के है ही, बहुत ही इंटेंस और यू नो थॉट प्रोवोकिंग स्क्रिप्ट है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत एंटरटेनिंग है, एंड में लोगों ने तालियां बजाई तो इसका मतलब लोगों को छू गई, इट वाज अ हाउसफुल मूवी। सो आउट ऑफ कितने स्टार देना चाहेंगे? 4 स्टार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हाउ वाज द मूवी? वाज ओके, स्लो थी बहुत, इट वाज अ बिट स्लो एंड द एंडिंग वाज सो अब्रप्ट दैट नोबडी कुड मेक आउट व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, सो that was a bit falter part in dhadak comparing to sairat dhadak was a bit was below it many were telling that it was a remake of sairat and so it was not actually a remake they tried to portray it but they could not to their fully extent and to their fully potential but they did the best part janvi and ishan they tried to do their best but ishan did a good job in his role and it was a okay movie. What about the acting of Ishan and Janvi? Ishan did well. Janvi was trying to portray how an upper class lady would portray or a girl would portray, but she did her best job, but she could not. What about direction and music? Music was good. Zingard, jo original hai, wo miss kar rahe the bas, and that was the only part there in the songs. Other than Zingard, every song was full on. कंपेयर टू सैराट धड़क क्या है? धड़क कंपेयर टू सैराट
यही सेम स्टोरी है, ऑलमोस्ट द सेम स्टोरी, बस सिर्फ एंडिंग चेंज की है। इस बार धड़क में कोई और मरता है, सैराट में तो दोनों ही मरते हैं। जो सैराट धड़क इज अ वन टाइम वॉच, 2.5। अमेजिंग लफ्ज नहीं है बयान करने के लिए कि कैसी थी, मतलब 5.5 स्टार डन हमारी तरफ से। अरे यार सुपर यार, एकदम लगते हैं कि मतलब सेक्सी, एकदम केमिस्ट्री बहुत सेक्सी है। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री इसको बोलते हैं ना कि रियल लगता है, मतलब लगता ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहा है। दिखाई गई लाइक जैसा रियल लव स्टोरी। आजकल के नए कॉलेज गर्ल्स होते, कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज होते हैं, उनको ऐसा होता है, लेकिन जो उसमें जो दिखाया गया बाकी में रियलिटी है और उनकी एक्टिंग तो मतलब माशाल्लाह। ये चीज मैं देख चुका हूं कि ये ऑनर किलिंग का मुझे अच्छे से पता है, दैट्स व्हाई आई नो वेरी वेल, क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, दैट्स व्हाई आई नो वेरी वेल। डायरेक्शन कैसा लगा मूवी का? डायरेक्शन इज वेरी गुड, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, मतलब कि मूवी है देखने लायक, जिसको कहते हैं कि मूवी है। मूवी को जरूर देखो, सारी जनता से मुझे रिक्वेस्ट है, मतलब एहसान हो जानवी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइक फैन क्या हूँ, एक्टर हो इंस्पायरिंग, तो सबको देखनी चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक इतनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है। अमेजिंग मूवी, इट्स अमेजिंग, स्टोरी इज आल्सो ऑसम। सैराट से तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा डेफिनेटली 200 करोड़ आप सैराट से, कंपेयर टू सैराट कैसी है? सैराट आई एम आल्सो नॉट वॉच, अभी तो नहीं देखी मैंने, बट इसकी देखने की मुझे काफ़ी जब से मूवी मतलब स्टार्ट हुई शूट होना, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है, तब से मुझे लगी पड़ी थी यार देखूंगा, अमेजिंग देखूंगा। धड़क का नाम लेके चला, धड़क 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 यहां करके। तो कैसी लगी फिर मूवी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, हैज़ अ डेब्यू, बहुत अच्छी थी। डायरेक्शन की बात किया जाए तो आई थॉट के जैसा हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डेब्यू मूवीज़ देखी थी, तो मैं कुछ उतना एक्सपेक्ट कर रहा था, बट एज अ नॉर्मल डायरेक्शन देखा जाए तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी नॉर्मल रखा है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं रखा है, बट मे बी बीच बीच में वो जो कॉमेडी सीन्स जो थोड़े हाइट में कम है, जो दिखाए एक्टर, उनकी वजह से काफ़ी एंटरटेनिंग लगा हुआ। एक्टिंग का देखा जाए तो ईशान और जानवी दोनों ने बहुत इम्प्रेस किया है, लग नहीं रहा था ईशान की फर्स्ट मूवी है, बट जानवी से थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था, वो झिझक रही थी थोड़ा बहुत, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया, बहुत अपनी मॉम के लेवल पे तो नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैंने सैराट नहीं देखी है, सो मैं आई कांट कंपेयर बोथ द मूवीज। या ऑब्वियसली मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे पहले तो शॉकिंग लगा, बेस्ट पार्ट नहीं, शॉकिंग लगा था एंड में क्लाइमेक्स, और उन दोनों का जो लव स्टोरी जब स्टार्ट होती वो बहुत अच्छा मोमेंट था उस टाइम पे। म्यूजिक द ऑब्वियसली द टाइटल सॉन्ग इज द ऑल टाइम फेवरेट जिंगात। एज अ डेब्यू आई वुड गिव 3.5। थैंक यू वेलकम। बहुत अच्छा था, अच्छा दिल धड़का दिया सबकी एक्टिंग ने। अभी नेक्स्ट रिप्लेसमेंट आ जाएगा शाहरुख काजोल के बाद, अब उनका टाइम गया, अब ये लोग नए हीरो है हमारे टाइम के, हमारे टाइम के बहुत अच्छे अच्छे पप्पी कुत्ते का छोटा बच्चा, ये सबको मार रहे हैं। तो जानवी श्रीदेवी की बेटी, तो उस तरह कुछ दिखा उनका? आई आई वॉइस भी थोड़ा सेम है, वॉइस भी थोड़ा कोलैबोरेट ऐसे लग रहा था, श्रीदेवी इज बैक लग रहा था। तो डायरेक्शन कर सकते हैं दोनों की एक्टिंग को लेके? हां मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं, दिखती है पर श्रीदेवी आगे जाएंगे क्योंकि वो तो हो अभी आगे चल रहे। तो कहां मतलब मतलब अलग अलग स्टोरी है, सब बोल रहे थे हम लोग को कि सेम है बट सेम नहीं है, अलग सस्पेंस है, हम लोग को बता रहा था कि अभी ये आएगा पर इसका कुछ भी ऑपोजिट हो रहा था, तो अलग सस्पेंस, थोड़ा स्टोरी चेंज की है, टोटल स्टोरी अलग है, मतलब उसकी तो स्टोरी चेंज की है, बस सिर्फ लव स्टोरी वो भी थी ये भी थी, बस स्टोरी पूरी चेंज है। कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पसंद आई मूवी में? लास्ट वाला सीन, लास्ट वाला, लास्ट हैप्पी एंडिंग चाहिए था, वैसे हैप्पी एंडिंग चाहिए था। रेडी चिल्ला के नाम धड़क।
थैंक यू गाइस।